सो हेलो गाइज, इट्स मी आयुष और मैं तुम सभी का वेलकम करता हूँ चैनल के एक और ब्रांड न्यू वीडियो में। और आज के वीडियो में हम लोग एक्सप्लेनेशन करने वाले हैं कर्स सीरीज के एपिसोड नंबर 6 का। तुम लोगों को मेरी आवाज में यूजुअल से थोड़ी कम एनर्जी फील हो रही होगी एंड उसके पीछे एक प्रॉपर रीजन है जिसके बारे में मैं तुम लोगों को बता सकता हूँ इफ यू केयर। तो तुम लोगों को बस कॉमेंट सेक्शन में जाके लिखना है कि भाई तेरी प्रॉब्लम क्या है, हम लोगों को बता। सो मैं ग्लैडली तुम लोगों को बताऊंगा एंड अगर तुम लोगों को नहीं मतलब है मेरी प्रॉब्लम से, सो नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स गेट ऑन टू द एक्सप्लेनेशन। तो एपिसोड के शुरू में हमें दिखाया जाता है कि कैसे पैलेडियंस फेलो की फसलों को जला रहे होते हैं। फिर सीन जाता है नीमोए की ओर जो कि नैमोस से जा रही होती है, पर गवेन यानी कि ग्रीन नाइट नीमोए के पास आकर उससे बोलता है कि मुझे तुम्हारे साथ चलना चाहिए क्योंकि रेड पैलेडियंस हर जगह घूम रहे हैं, ऊपर से चोर वगैरह तो एग्जिस्ट करते ही हैं। तभी आर्थर आकर बोलता है कि कोई नहीं, मैं नीमोए के साथ जा रहा हूं। और नीमोए बोलती है कि मुझे सुरक्षा नहीं चाहिए, मुझे बस अपने सफर के लिए एक साथी चाहिए। आर्थर बोलता है कि नहीं, मैं साथी बनकर साथ चलता हूँ। पर नीमोए किसी काजे नाम की लड़की को अपने साथ चलने के लिए ले जाती है। नीमोए को रास्ते में मॉर्गन मिलती है। मॉर्गन नीमोए से बोलती है कि वो भी उसके साथ चलेगी एंड फिर ये तीनों मिलके मर्लिन को ढूंढने के लिए चली जाती है। सीन जाता है मर्लिन की ओर जो कि जब एक फूल को देखता है तो उसे एक काइंड ऑफ फ्लैशबैक टाइप का आता है जिसमें वो नीमोए की मदर के साथ होता है एंड वो लोग एक क्वालिटी टाइम बिता रहे होते हैं। सीन शिफ्ट होकर वापस से प्रेजेंट में आता है जहां किंग उथर मर्लिन के पास आते हैं। उन दोनों के बीच में काफी लंबी चौड़ी बातचीत होती है बट उनकी कन्वर्जेशन का इंपॉर्टेंट पार्ट वो रहता है जहां पर किंग उथर मर्लिन से बोलते हैं कि मुझे मालूम है कि तुम इस बार अपने राजा को धोखा नहीं दोगे। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि मर्लिन जंगल में एक घोड़े के पास आ जाता है जहां उस घोड़े के ऊपर सामान लदा हुआ होता है और उस सामान में एक बॉटल भी होती है जिसमें वो ग्रीन फायर यानी कि वही हरी आग होती है। और वहीं उथर की माँ यानी कि महारानी मर्लिन को छुपकर देख भी रही होती हैं और एक सैनिक को उसके पीछे भेज देती हैं। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि आर्थर एक बंदे को बचाता है क्योंकि उसका खाना दूसरा बंदा उस बंदे से छीन रहा था। अगले सीन में आर्थर और गवेन की थोड़ी बहस हो जाती है किसी बात को लेकर, पर तभी फेलो का एल्डर गवेन से बोलता है कि गवेन जल्दी इधर आओ, कुछ जरूरी मीटिंग करनी है। मीटिंग में ये पता चलता है कि उनके पास खाना खत्म हो चुका है और उन्हें अभी बाहर जाना होगा खाने की तलाश के लिए। गवेन सुझाव देता है कि हमें इस रास्ते से जाना चाहिए, पर तभी आर्थर वहां आकर बोलता है कि नहीं, हम अलग रास्ते से जाएंगे और हमें कम से कम 6 लोगों की जरूरत होगी। एल्डर बोलते हैं कि वो अपनी तरफ से सिर्फ 3 और लोगों को सेंड कर सकते हैं जिसके बाद ये लोग टोटल 5 हो जाते हैं। पहला हो गया आर्थर, दूसरा ग्रीन नाइट एंड 3 बंदों को अपना एल्डर सेंड कर रहा है, पर इन्हें चाहिए 6 लोग, जिसकी वजह से गवेन वो लड़के को देखता है जिसकी हेल्प आर्थर ने थी और आर्थर से पूछता है तो क्या ये तुम्हारा साथी है। सीन शिफ्ट होता है नीमोए की ओर जहां उसे एक खंडहर दिखता है। मॉर्गन और काजे उससे बोलती हैं कि वो भी उसके साथ चलेंगी, पर नीमोए बोलती है कि नहीं, सिर्फ मैं ही जाऊंगी। नीमोए को एक कपड़ा और डंडा पड़ा हुआ दिखता है जो कि मर्लिन का है। तभी उसे मर्लिन दिखता है। नीमोए उसे देखकर बोलती है कि लोग सही बोलते हैं कि हम दोनों एक जैसे दिखते हैं। मर्लिन बोलता है कि लाओ वो सॉर्ड मुझे दे दो, पर नीमोए बोलती है कि ऐसे ही नहीं। मर्लिन बोलता है कि जितनी देर तक तुम्हारे पास वो सॉर्ड रहेगी उतना ही ज्यादा खतरा तुम्हें रेड पैलेडियंस और पेन ड्रैगन के सैनिकों से बढ़ता जाएगा। पर नीमोए बोलती है कि नहीं, पहले ये बताओ कि माँ और तुम्हारे बीच में कैसे संबंध थे और तुम दोनों अलग क्यों हुए। सीन शिफ्ट होकर जाता है उस चोर बच्चे की ओर जहां वो गवेन से बोलता है कि मैं दुश्मनों को मारूंगा और गवेन उससे बोलता है कि हां जरूर पर आज नहीं। फिर वो बच्चा अपने तीर कमान को सही करने लगता है एंड आयरिस उसके पास आकर उससे बोलती है कि क्या तुम मुझे तीर कमान चलाना सिखाओगे। फिर उनके बीच में थोड़ी सी नोकझोंक टाइप की होती है पर वो बच्चा मान जाता है उसे ट्रेन करने के लिए। फिर सीन जाता है मर्लिन और नीमोए की ओर जहां वो दोनों बैठकर बातचीत कर रहे होते हैं एंड नीमोए मर्लिन से बोलता है कि अब जो भी हो डरना मत। फिर मर्लिन नीमोए को उसका पास दिखाता है कि वो कैसे उसकी मॉम से मिला था। नीमोए देखती है मर्लिन को जो कि बहुत ही दर्द में नीमोए के घर चला जाता है। फिर मर्लिन दर्द के कारण वहीं गिर जाता है। वहां उसे नीमोए की मॉम मिलती है जो कि गिरे हुए मर्लिन को बोलती है कि क्या हुआ। मर्लिन दर्द के मारे कुछ बोलता नहीं एंड नीमोए की मॉम नोटिस करती है कि इसकी चेस्ट में कुछ है जो कि मेन सोर्स था जहर का।
नीमोए की मॉम मर्लिन की चेस्ट से वो निकालती हैं और देखती है कि ये तो एक सॉर्ड है। फिर हमें कुछ दिनों बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हम देखते हैं कि नीमोए की मदर और मर्लिन के बीच में नजदीकियां बढ़ रही हैं और हमें एज अ ऑडियंस यहाँ पर ये भी मालूम चलता है कि अपना मर्लिन पहले राजा का एज अ सलाहकार भी रह चुका है, एज अ एडवाइजर भी रह चुका है। फिर नीमोए प्रेजेंट में आती है और बोलती है कि मेरी मदर जो कि रूल्स को लेके हमेशा स्ट्रिक्ट रहती थी उन्होंने तक रूल्स को ब्रेक किया है। मतलब मर्लिन की मदद करने के लिए या फिर मर्लिन की मदद करने की वजह से नीमोए की मदर ने किसी रूल वगैरह को तोड़ा है। यहाँ पे हमें एग्जैक्टली तो नहीं बताया गया है कि यहाँ पे किस रूल को ब्रेक करने की बात हो रही है, बट यस नीमोए की मदर ने मर्लिन को बचाने के लिए कोई रूल वगैरह को तो ब्रेक किया है। मर्लिन बोलता है कि तुम्हारी मदर के बिना मुझे अपना जीवन कभी पूरा लगा ही नहीं। फिर नीमोए बोलती है कि आपकी बेटी आपके इस आलिशान खंडहर में आई है पर आपने उससे अभी तक खाने वगैरह के बारे में नहीं पूछा। तो मर्लिन बोलता है कि ओ हाँ सॉरी मेरे साथ आओ मैं कुछ करता हूँ। सीन शिफ्ट होता है आर्थर और ग्रीन नाइट की तरफ जहाँ हम देखते हैं कि उनकी टीम राशन लेने जा रही होती है एंड उन्होंने अपने साथ आर्थर के न्यू फ्रेंड को जिसकी आर्थर ने मदद करी थी उसको ऐड कर लिया है। वो बंदा अब आर्थर की काफी ज्यादा रिस्पेक्ट करने लगा है एंड उससे पूछता है कि आपकी सबसे ज्यादा यादगार लड़ाई कौन सी थी। आर्थर बोलता है कि एक रात मेरे ऊपर 4 लुटेरों ने हमला किया था, मैं शराब के नशे में था एंड आई गेस वही फाइट मेरी सबसे ज्यादा यादगार फाइट है। फिर वो लड़का गवेन से पूछता है कि आपकी सबसे ज्यादा यादगार फाइट कौन सी है एंड गवेन बोलता है कि मेरे शुरुआती के दिनों की एक फाइट जब रेड पैलेडियंस ने मेरे एक दोस्त को पकड़ के उसमें आग लगा दी थी एंड मुझे बाहर आने को कह रहे थे पर मैं एक पेड़ के पीछे छुपा था। फिर गवेन उस लड़के से बोलता है कि तो अगर तुम्हें कभी भी मौका मिले रेड पैलेडियंस को मारने का तो जितने ज्यादा हो सके उतने ज्यादा को मारना। सीन शिफ्ट होके उस चोर बच्चे की तरफ जाता है जहाँ पे वो आयरिस को तीर चलाने की ट्रेनिंग दे रहा होता है। फिर वो बच्चा आयरिस से पूछता है कि तुम्हारे परिवार का क्या हुआ एंड आयरिस उसे बताती है कि मेरे डैड ने मेरी मॉम का गला काट दिया था क्योंकि उन्हें लड़की नहीं बल्कि लड़का चाहिए था। इसके बाद आयरिस उस बच्चे से पूछती है कि तुम्हारे परिवार का क्या हुआ एंड वो बच्चा जवाब देता है कि मैं अपने परिवार से बहुत ज्यादा प्यार करता था। फिर सीन जाता है नीमोए की ओर जहाँ मर्लिन उससे पूछता है कि तुम्हारी पावर्स तुम्हारे काबू में है ना। नीमोए बोलती है कि नहीं एंड फिर मर्लिन बोलता है कि तुम्हारी मदर के अंदर भी बहुत ज्यादा काबिलियत थी, बहुत ज्यादा पोटेंशियल था बट उन्होंने विलेजर्स का डॉक्टर बनना पसंद किया। मर्लिन काइंड ऑफ जानबूझ के नीमोए की मॉम की डिसरिस्पेक्ट करता है ताकि नीमोए अपनी पावर्स को अनलॉक कर ले एंड ऐसा ही होता है, नीमोए गुस्सा होती है एंड उसकी पावर्स अनलॉक हो जाती है। फिर मर्लिन नीमोए से बोलता है कि सामने जो पेड़ है उस पर एप्पल उगा कर दिखाओ। वो बोलती है कि ऐसा नहीं हो सकता, मैं ऐसा कैसे कर सकती हूँ, पर मर्लिन बोलता है कि एक बार कोशिश तो करो। फिर नीमोए ट्राई करती है एंड वो एक्चुअल में सक्सेसफुल हो जाती है जिसकी वजह से दोनों खुश होते हैं एंड फिर मर्लिन नीमोए से बोलता है कि अब से मैं ये सॉर्ड नहीं उठाऊंगा और ना ही तुम्हें उठानी चाहिए। नीमोए पूछती है कि पर क्यों, जबकि ये सॉर्ड तो किसी को भी बड़ी ही आसानी से काट सकती है एंड मर्लिन बोलता है कि इसी वजह से मैं सॉर्ड से दूर रहने को कह रहा हूँ, सॉर्ड की इसी ताकत की वजह से आपको सॉर्ड की आदत लग जाती है और वैसे भी इस सॉर्ड के पीछे काफी लोग पड़े हैं एंड इस सॉर्ड की वजह से तुम्हारी जान को भी खतरा है। नीमोए बोलती है कि मुझे और अतीत देखना है और पास्ट की मेमोरीज देखनी। फिर नीमोए और मर्लिन वापस से पास्ट में जाते हैं जहाँ पे नीमोए की आंखों के सामने मर्लिन और नीमोए की मदर घपाघप कर रहे होते हैं। मर्लिन नीमोए की मदर से बहुत ज्यादा प्यार करने लगता है जिसकी वजह से वो उनके साथ शादी करना चाहता है बट नीमोए की मदर मर्लिन को बताती है कि मेरी इंगेजमेंट हो गई है। मर्लिन को ऑब्वियसली ये बात अच्छी नहीं लगती, वो इसकी वजह से सैड हो जाता है एंड फिर कुछ समय बाद मर्लिन को ये भी मालूम चलता है कि अब उसके पास उसका मैजिक नहीं है, अब का मैजिक काम नहीं कर रहा है। वो जो सॉर्ड मर्लिन के शरीर के अंदर से बाहर निकली थी उसी के साथ साथ मर्लिन का मैजिक भी मर्लिन के शरीर से बाहर निकल चुका है। मर्लिन नीमोए की मॉम के पास जाकर उनसे पूछता है कि मेरी सॉर्ड कहाँ है, मुझे मेरी सॉर्ड वापस करो, बट नीमोए की मॉम बोलती है कि वो तुम्हारे शरीर को खत्म कर रही थी, वो सॉर्ड तुम्हारे शरीर को खत्म कर रही थी एंड इतना बोल के नीमोए की मॉम मर्लिन को उसको उसकी सॉर्ड वापस करने से मना कर देती है क्योंकि नीमोए की मॉम की इंगेजमेंट भले ही किसी और से हुई हो बट वो अभी भी प्यार मर्लिन से ही करती हैं। बट मर्लिन उनके इन इमोशंस को नहीं समझता एंड गुस्से में बोलता है कि तुमने मुझे बर्बाद कर दिया एंड इतना बोल के वहां से बाहर चला जाता है। बाद में जब मर्लिन को उसकी गलती रियलाइज होती है तब वो नीमोए की मॉम के पास वापस आता है बट नीमोए की मॉम इस बार मर्लिन को चले जाने के लिए बोलती है। वो बोलती है कि अगर तुम मेरे बारे में सच्ची केयर करते हो, अगर तुम मुझसे सच्चा प्यार करते हो तो प्लीज मुझे छोड़ के चले जाओ। फिर सीन प्रेजेंट में आता है एंड नीमोए देखती
होती है कि मर्लिन अभी तक उठा नहीं होता है। फिर वो मर्लिन की उसी जादुई माला को उठाती है जिससे वो नीमुए को पास दिखा रहा था, एंड उसे उठा के फिर नीमुए खुद समय में पीछे जाती है और वो बोलती है कि मुझे वो दिखाओ जो मर्लिन नहीं चाहता कि मैं देखूं। इसके बाद वो पास में जाती है एंड देखती है कि फे लोग ईवल बन गए हैं और वो लोगों को, मतलब कि नॉर्मल जो इंसान है, उन सबको मार रहे हैं। एंड साथ ही साथ वो ये भी देखती है कि मर्लिन भी नॉर्मल लोगों को मार रहा है। फिर वो प्रेजेंट में आती है और मर्लिन के गले पर सॉर्ड रखती है और बोलती है कि तुम खूनी हो। मर्लिन जवाब देता है कि इस समय जो तुम्हें सही लग रहा है तुम वो कर रही हो, एंड उस समय जो मुझे सही लगा था मैंने वो किया था। उस तलवार ने मुझे करप्ट कर दिया था, मेरी रेज को, मेरे अंदर के गुस्से को बढ़ा दिया था, एंड इन्हीं सारी चीजों की वजह से मुझे इस तलवार को नष्ट करना ही होगा। पर नीमुए मर्लिन की किसी भी बात का भरोसा नहीं करना चाह रही होती है। उतने में ही राजा उथर के सैनिक वहां आ जाते हैं। फॉर्चुनेटली नीमुए और उसकी साथी वहां से भाग जाती हैं। सैनिक मर्लिन के पास आ जाते हैं एंड उनके हिसाब से मर्लिन ने फिर से सॉर्ड को गवा दिया है। सीन जाता है आर्थर और गवेन की ओर, जहां गवेन बोलता है कि हम यहां घोड़ों को छोड़कर जाएंगे। आर्थर बोलता है कि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, पर गवेन आर्थर से बोलता है कि तुम पानी लेके आओ, हम चक्की के पास जाते हैं। इसके बाद आर्थर का वही फ्रेंड आर्थर से बोलता है कि मुझे भी थोड़ी बहुत ट्रेनिंग वगैरह दो, तो आर्थर उसे कुछ मूव्स बता रहा होता है। पर तभी उस लड़के के गले पर तीर लगता है। आर्थर देखता है कि ये किसने किया और हम उस ब्लू क्लोथ वाले बंदे को देखते हैं जो कि तीर चला रहा होता है। वो आर्थर की तरफ भी तीर चलाता है एंड इसी के साथ एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। सो गाइस, बस यही था वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो लाइक कर देना, चैनल पर नया आया हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना। मैं मिलूंगा तुम लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय टाटा।